हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, रेडमी वाई वन के एमएमए 10 के लिए यूजर आप बहुत वेट कर रहे हो पता है। तो गाइस, इस वीडियो में रेडमी वाई वन के लिए ही बात करने वाला हूँ। तो अगर आप रेडमी वाई वन के यूजर हो तो वीडियो पूरा देखना, प्लीज लाइक करना, शेयर भी करना अपने रेडमी वाई वन के फ्रेंड्स को। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है, MIUI 10 सभी फोन के लिए रोल आउट कर दिया गया है, सिवाय Redmi Y1 और Redmi Y1 को छोड़ के, Y1 Lite को छोड़ के। तो गाइज, Redmi Y1 के यूजर बहुत ही वेट कर रहे हैं MIUI 10 के लिए, बट अभी तक रोल आउट नहीं हुआ है। तो गाइज, इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं ये वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखना और स्किप मत करना, नहीं तो कुछ इन्फॉर्मेशन छूट सकता है। लोग Y1 और Y1 Lite को, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चाइना में Redmi Note 5A और Redmi Note 5A Lite बोला जाता है। तो गाइज, Redmi Note 5A के नाम पर आप कुछ सर्च कीजिएगा रेड के इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। नहीं तो अगर आप Y1 को लेकर सर्च कीजिएगा तो कुछ आपको डिटेल नहीं निकल रहा अभी। तो गाइज, जैसा कि मैंने सर्च किया था तो मेरे को एक फोरम दिखा, तो इसमें लिखा गया है कि इसमें पोर्ट्रेट मोड में डेवलपर टेस्ट कर रहे हैं स्टेबल के लिए, तो बहुत ही सारे बग्स देखने को मिल रहे हैं। तो गाइज, इसी के कारण आपको लेट से मिल रहा है Y1 के लिए, और जब मिलेगा तो बग्स बहुत कम मिलेगा इसमें, कम चांसेस है। इस अब वीडियो आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इसमें क्या क्या फीचर आएगा ये अपडेट में। तो गाइज, सबसे पहले हमें ऑडियो अपडेट देखने को मिलेगा, और गाइज इसमें पोर्ट्रेट मोड, रेयर और बैक दोनों को देखने मिलेगा। और गाइज, फर्स्ट ही अपडेट में हमें देखने को मिल जाएगा, MIUI 10 रेडमी Y1 के लिए बहुत लेट अपडेट आया। तो गाइज, हमें पोर्ट्रेट मोड दोनों में एक साथ देखने को मिल जाएगा पोर्ट्रेट मोड। अब बात करते हैं फेस अनलॉक इसमें देखने को मिलेगा नहीं। तो गाइज, इसमें रेडमी Y1 में फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलेगा, एज रेडमी नोट 4 में भी देखने को नहीं मिला। और रेडमी नोट 4 आपका बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन था एक टाइम पे, तो गाइज नोट 4 में देखने को नहीं मिला, तो इसमें भी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं इसमें आपको फुल स्क्रीन जेस्चर देखने को मिलेगा कि नहीं। तो गाइस, इसमें फुल स्क्रीन जेस्चर देखने को नहीं मिलेगा, एज ये 16:9 रेशियो का फ़ोन है। तो गाइस, इसमें देखने को नहीं मिलेगा फुल स्क्रीन जेस्चर, बस 18:9 के फ़ोन में दिया जा रहा है, तो इसमें फुल स्क्रीन जेस्चर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज, इन शॉर्ट आपको MIUI 10 के अपडेट में आपको UI चेंज कर दिया जाएगा, सिक्योरिटी पैच अपडेट कर दिया जाएगा और पोर्ट्रेट मोड इंक्लूड किया जाएगा। अपडेट के कारण आपको पिक्चर इन पिक्चर मोड पर भी फैसिलिटी देखने को मिलेगा। तो गाइज, अब बात करते हैं इसमें कब आएगा ये MIUI 10 रेडमी Y1 की यूज़र रेडमी Y1 और रेडमी Y1 Lite के लिए कब रोल आउट होगा। तो गाइज, जैसे कि ये इसमें डेवलपर बोले जा रहे हैं कि आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, इसमें बग्स थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसे लेट हो गया। दिसंबर में ये फोरम रिलीज़ हुआ था, तो गाइज तभी बोला गया था दिसंबर के अंदर ही मिल जाएगा। तो गाइज, हालांकि अब कुछ दिन में मिल जाना चाहिए रेडमी Y1 को, बट अभी कोई एक एग्जैक्ट डेट, कंफर्म डेट नहीं निकला है। तो गाइज, जब भी निकलेगा मैं बता दूंगा। सो गाइज, डेवलपर इस फोरम में लिखते हैं कि वी कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। तो गाइज, पता नहीं अंडरस्टैंड कितना किए हैं पता नहीं। तो गाइज, अगर रेडमी Y1 के आप यूज़र हो तो गाइज आप वेट करो, इतने दिन से आप वेट किए और थोड़ा वेट कर लो, जल्दी देखने को मिल जाएगा, जनवरी तक देखने को मिल सकता है। वेट इसीलिए करना क्योंकि वेट के अलावा और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो गाइज, वेट कीजिए, डेवलपर कुछ कन्फर्मेशन न्यूज़ भेजे या फिर कुछ ऐसा फोरम में कुछ न्यूज़ आए तो मैं बता दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, अगर पसंद आया तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। I bet you never even tried to be real.